बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कुत्तों की अपनी ये विशेषता होती है। और दूसरी चीज, कुत्ते का परिवार नहीं होता है, उसकी अपनी एक फैमिली नहीं होती है। कुत्ता अपने शारीरिक जीवन में किसी को भी पत्नी बना सकता है। इस तरीके से आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पारिवारिक जीवन के अंदर में इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने हर एक नर के लिए एक नारी रखा है, परंतु वे उससे अतृप्त होकर के कहीं ना कहीं किसी और गैर के पीछे चलने लगते हैं। ऐसी दशा में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुत्ते के ये दूसरे आचरण नजर आते हैं। अपनी पत्नी को छोड़ किसी गैर के साथ नाजायज अनैतिक संबंध। आज की युवा पीढ़ी कुछ इसी प्रकार से है। आज फलानी गर्लफ्रेंड है, परसों के दिन दूसरी गर्लफ्रेंड है, और कहीं ये बॉयफ्रेंड है, कहीं वो बॉयफ्रेंड है। और इस तरीके से हम कुत्ते वाले आचरण को, अरे प्यार करना है तो एक से करो और शादी कर लो, कुछ इधर मुंह मारना, कुछ उधर मुंह मारना, कभी इससे प्रेम करना, कहीं उससे प्रेम करना, कहीं इसके साथ घूमना, कहीं उसके साथ घूमना, कहीं इसको लाइन मारना, कहीं उसको लाइन मारना, हम अपनी अनैतिकता के आधार पर ये वाली डिग्री प्राप्त करते हैं जिसको कुत्ते कहते हैं। अच्छा नहीं लगेगा। बाइबल का परमेश्वर कहते हैं कुत्ते का आचरण अपनाने वाले व्यक्ति को अनंत जीवन से बाहर रखा जाएगा, नए यरूशलेम से बाहर रखा जाएगा। दूसरे आगमन के समय महिमा की देह में रूपांतरित होने वाली घटना से बाहर रखा जाएगा। जी हां, सो हमें इस आचरण के ऊपर काबू पाना है। इसके लिए परमेश्वर हमारे साथ है। जो भी आप प्रभु के पीछे चलने का निश्चय करते हैं, तो जैसे प्रभु जी ने कहा है, हल पर हाथ रखने के वक्त पीछे पलट करके नहीं देखना, नहीं तो लूत की पत्नी को याद रखना। कितने हैं जो बड़े बड़े वायदे करते हैं प्रभु के साथ चलने का, परंतु रास्ते में भटक जाते हैं। हम छांछ खा लेते हैं, अपनी उल्टी को फिर निकल जाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर अपने लोगों को एक दृढ़ निश्चय करने वाले मन की ओर परमेश्वर का ख्याल है। दुचित्ता मन, ये जो दुचित्तापन है, यह हमारे लिए बहुत ही हौलनाक है। जैसे कि सांप, उसकी दो जीव होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। याकूब की किताब के पहले अध्याय के पांचवें पद में बाइबल कहती है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाह ना दिए हुए देता है, उदारता से देता है और उसको दी भी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में उठती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वह व्यक्ति दुचित्ता है और सारी बातों में अचंचल है। कभी हम प्रभु के हो जाते हैं, कभी हम संसार के हो जाते हैं। और सांप की जो जीभ है वो आगे पीछे ऊपर नीचे होती है। यही है वॉमिटिंग, छाछ को खाना। कभी प्रभु तो कभी शैतान, तो कभी प्रभु तो कभी शैतान, तो एक हफ्ता प्रभु के साथ रहे, बाकी दिन शैतान के साथ रहे। ये जो दोहरा जीवन है, ये सांप सिरोली का जीवन है, सर्फ का जीवन है, जिसको परमेश्वर ने शैतान के रूप में माना है। कभी विश्वासी हैं, कभी अविश्वासी हैं। जो विश्वास और अविश्वास दोनों की डगर पर अपना पैर रखे रहता है, वह उस मनुष्य के समान है जो समुद्र की लहर की तरह अपने विश्वास को भटकाता है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि परमेश्वर की ओर से उसे कुछ मिलेगा, क्योंकि वह दुचित्ता है। इसलिए कुत्ते के आचरण में जो बातें पाई जाती हैं, उसके पीछे जो रहस्य, यदि मनुष्य इन जीवनों को अनुसरित करे, तो बाइबल का प्रभु कहता है ऐसे लोगों को प्रभु बाहर रखेंगे। इसलिए कॉन्क्रीट फेथ,
एक बार प्रभु के पीछे चल पड़े तो उसके ही साथ रहना है। एक बार प्रभु को जीवन दे दिया तो उसके लिए ही जीना मरना है। और इसमें कोई उतार चढ़ाव होना नहीं चाहिएगा, अन्यथा समस्या बन सकती है। एंड देन फिर बाइबल कहती है कि टोनहा। टोने का मतलब होता है टोना टोटका। परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को पहचाने बिना, परमेश्वर अर्थात पवित्र आत्मा, ये टोना जो है बाइबल में लिखा है निर्गमन की किताब के 20वें अध्याय में कि परमेश्वर पहली आज्ञा देते हैं कि मुझको छोड़कर तू किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में नहीं देखकर सृष्टि को परमेश्वर की उपमा देना। सृष्टि और सृष्टिकर्ता में अंतर है। सृष्टिकर्ता वो है जिसने सृष्टि बनाई है, और यदि कोई सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाई गई सृष्टि को सृष्टिकर्ता समझ बैठे और उस पर आस्था रखे, अब सृष्टि जो है, चाहे वह नदी हो, चाहे वह पहाड़ हो, चाहे वह जंगल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे लक्कड़ हो, या फिर सृष्टि में पशु हो, पक्षी हो, गरुड़ हो, या फिर मनुष्य हो जिसकी आराधनाएं की जाएं, या स्वर्ग के वो स्वर्ग दूत हो जो तेजोमय हैं, जिन्हें परमेश्वर पिता ने या तो गिरा दिया है या वे वहां हैं। भारी मात्रा में जिन लोगों ने लूसीफर के साथ, मुख्य स्वर्गदूत के साथ घमंड के संपर्क में जाकर ईश्वर की आराधना करने के बजाय खुद की आराधना पसंद किया, ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता ने वहां से अलग किया, दूसरे तीसरे आसमान से नीचे गिरा दिया। भारी मात्रा में स्वर्गदूत आज भी स्वर्ग में है। इसलिए जब कभी भी कोई स्वर्गदूत मनुष्य से बात करने आया और यदि कोई व्यक्ति उसको आराध्य भाव से समर्पित हुआ तो उसने डांट करके कहा कि मेरी आराधना नहीं, वरन परमेश्वर की ही आराधना किया करना, क्योंकि वही महिमा और आदर के योग्य है। परंतु कितने लोग हैं, चाहे गिराए हुए स्वर्गदूत की आराधना करते हैं या फिर स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ते हैं। ऐसे समय में हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि हम उसकी आराधना से बचे रहें। नंबर टू, जब कभी कोई सृष्टि की बात की आराधना के द्वारा अपने लाभ का रास्ता खोजता है, फिर से सुनिएगा, जब कभी भी सृष्टि की आराधना करने के द्वारा अपने लाभ का रास्ता खोजता है, इसमें सबसे प्रचलित है गिराए हुए स्वर्गदूत, जिनको शैतान भी कहते हैं। शैतान को आत्मसाध करते हुए उनका साधना से, तंत्र से, मंत्र से, विद्या से उनको नियंत्रित करते हुए उनको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना, यह होता है टोटका। नहीं जी, काला धागा बांध लीजिए गले में तो प्रभु रिटायरमेंट ले लिए क्या? लड़का है तो अभी उसको चूड़ी पहना देते हैं काली वाली, नजर लग जाएगी। कालक लगा देते हैं, गोरा है ना बच्चा, नहीं तो गाल में तिल बना देते हैं। गोरे गोरे बच्चों को देख करके कहीं किसी की ढीठ लग जाए, नजर लग जाए। हमारी आस्था परमेश्वर पर नहीं है, हम डरते हैं नजर से, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कालक को। जितने भी डोरे धागे बनाए जाते हैं, बांधे जाते हैं, उसके पीछे टोटका है। जी हाँ, आज शनिवार है, लोहा नहीं खरीदते, शनिदेव आ जाएंगे तो परमेश्वर गए क्या?
दिनों को विशेष, आज मंगलवार है इसलिए मंगल काम करिएगा, आज शनिवार है इसलिए शनिवार में ज्यादा खरीदी नहीं करना। तो क्या परमेश्वर ने शनिवार नहीं, मंगल को परमेश्वर ने बनाया है, शनिवार को शैतान ने बनाया है। तो फिर मंगल और शनि में क्या है? ये दिनों की शुभ और अशुभ आज मसीह समझाए। नहीं सर, मंगल को और बुधवार को जो है ना वेडनेसडे को मैरिज होना चाहिए, सैटरडे को नहीं होना चाहिए, ऑफ डे है। बाइबिल कहती है सातवों दिन परमेश्वर के हैं।